हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम है शिग्रेम शेख निसार और आज के इस न्यू वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड, हुंडई की वेरना है, हम उसकी रियर शॉकअप रिप्लेस करने वाले हैं। तो उसकी शॉकअप जो है ना फ्रेंड, वो पूरे लीकेज हो चुके हैं, उन्होंने ऑयल पूरा छोड़ दिया है। वो शॉकअप हाइड्रोलिक के ऊपर ऑपरेट होते हैं, तो वो पूरे लीकेज हो चुके हैं और हम उसे रिप्लेस करने वाले हैं। तो शॉकअप ऑब्जर्वर रिप्लेस करना बहुत ही ज़रूरी होता है फ्रेंड, क्योंकि वो हमारे सस्पेंशन में का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स है। तो जब भी हम गाड़ी चलाते, अच्छा रोड है, हम 100-120 के अगर स्पीड में रहे, तो अगर अचानक से सडनली एक खाना गड्ढा वगैरह आ गया तो गाड़ी उसमें से कूद जाती है। तो जो शॉक बैठता है ना फ्रेंड, तो शॉक को ऑब्जर्व करने का काम ही शॉकअप करता है। तो हमारा जो बॉडी है वो सस्पेंशन फ्रेम से अटैच रहती है और सस्पेंशन फ्रेम से बॉडी एक शॉकअप भी अटैच रहता है। तो गाड़ी को गड्ढा खोदने के बाद बहुत आराम से उसे स्टेबल करने का काम ये शॉकअप करता है। तो शॉकअप का उसके नाम में ही उसके काम का भी पता चलता है, शॉक ऑब्जर्वर, मतलब वो शॉक ऑब्जर्व करता है और हमारे जो बॉडी को वो बहुत ही धीरे से वो नीचे ऊपर के साइड स्लाइड करता है। जब गाड़ी चलते वक्त ब्रेकर वगैरह गड्ढे वगैरह जो है, ख़राब रास्ते पे गाड़ी जब अप डाउन ज़्यादा होती है, तो उसके अंदर शॉक ऑब्जर्वर बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पार्ट है और वो बहुत काम करता है। तो मैं बताने वाला हूँ आपको किस तरह से हम इसकी शॉकअप रिप्लेस कर रहे हैं, किस तरह से उन्होंने ऑयल छोड़ दिया है, कितने का है ओरिजिनल यूनियन पार्ट। तो वीडियो में बने रहिए फ्रेंड, और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आइए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। तो चलिए फ्रेंड, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड आप, ये हुंडई की वेरना। तो हम करने वाले फ्रेंड इसकी रियर शॉकअप रिप्लेस। बोल निकाला। तो इसकी जो शॉकअप है फ्रेंड, वो पूरे वीक हो चुके हैं। बताइए, तो अभी देख सकते हैं ये इसका पुराने वाला शॉकअप जो हम रिप्लेस कर रहे हैं, इसने पूरा ऑयल छोड़ दिया है, पूरा वीक हो चुका है। ये देख सकते हैं आप, पूरा वीक हो चुका है। तो हम इसके अंदर न्यू शॉकअप रिप्लेस करने वाले हैं। तो हमने इसका न्यू शॉकअप भी लाया है, देख सकते हैं आप, ओरिजिनल पार्ट है फ्रेंड हुंडई का। जो MRP है 1770 रुपये का एक है फ्रेंड ये। तो हम इसके पीछे के दोनों रियर शॉकअप रिप्लेस कर रहे हैं। तो इसके पीछे के शॉकअप रिप्लेस करने के लिए फ्रेंड आपको ये ऊपर का एक 17 mm का ये वाला बोल्ट, ये बोल्ट और नीचे से ये वाला, ये दो बोल्ट आपको खोलना होते हैं इसके पीछे का रियर शॉकअप रिप्लेस करने के लिए। बस रुक,
तो इस तरह से होती है फ्रेंड इसकी फिटिंग। तो अभी हम इसके नट बोल्ट लगा के फुल टाइट कर देंगे। चालू हो गया, रखता हो गया। तो जिस तरह से फ्रेंड हमने इसका रियर राइट साइड का शॉक ऑफ रिप्लेस किया है, उसी प्रोसेस से हमें इसका रियर लेफ्ट साइड का भी शॉक ऑफ रिप्लेस करना है। मैं बता देता हूँ आपको। तो हमें फ्रेंड सिर्फ ये 17mm का ये वाला एक बोल्ट खोलना है और नीचे से ये नट, यहाँ पर ये वाला यहाँ का नट और ये 17mm का बोल्ट, ये दो हमें खोलना है। फिर हमारा शॉक ऑफ आसानी से बाहर आ जाएगा और हम रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से करते हैं इसका शॉक ऑफ रिप्लेस। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे चैनल का नाम है SRN कार टेक्निशियन। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।